बाहर से अब कम करो। मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है, पत्रकार मित्रों का। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में और कुछ लोग शामिल हो रहे हैं। गोवा के वर्तमान विधायक श्री दयानंद सोपते जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, और श्री सुभाष शिरोडकर जी। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि आप दोनों भाजपा के परिवार में शामिल हो रहे नेताओं का स्वागत करें और उनको भाजपा की सदस्यता की पर्ची भी दें। मित्रों, इस मौके पर भारत सरकार में मंत्री श्रीपद नाइक जी हमारे बीच में हैं। गोवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री तेंदुलकर जी हमारे बीच में हैं, और गोवा सरकार में मंत्री विश्वजीत राणे जी हम लोगों के मध्य में हैं। लड्डू एक बार। भाई अभी विकास जी इंतजार कीजिए, सवाल जवाब कर सकेंगे बाद में। मेरा आग्रह है पीयूष गोयल जी से कि इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज के इस शुभ अवसर पर मैं मेरे सहयोगी मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी, हमारे गोवा प्रदेश के प्रांत के अध्यक्ष श्री तेंदुलकर जी, हमारी गोवा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे जी, दोनों हमारे साथ जुड़ने वाले नए विधायकगण माननीय श्री सुभाष शिरोडकर जी और माननीय श्री दयानंद सोपते जी, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि शिरोडकर जी और सोपटे जी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की गोवा की सरकार और मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी के हाथ मजबूत करें और आगे आने वाले दिनों में गोवा में और मजबूत और जनता के प्रति संवेदना और विकास की भावना से काम करने वाली सरकार को आगे बल दें। श्री बलूनी जी और संजय मयूख जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ा परिचय हमारे दोनों नए विधायकों का मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सुभाष शिरोडकर जी
जो शिरोडा गोवा में जन्मे थे, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में उनका काफी बड़ा योगदान है गोवा में। बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स गोवा में उन्होंने शुरू किया, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, होम्योपैथी का कॉलेज है, और नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी प्रकार की शिक्षा के साधन 2,500 बच्चों को उनकी शिक्षा की संस्था देती है। सबके लिए खुशी की बात है कि 6 बार आप विधायक बने। सबसे पहले तो सरपंच के रूप में शिरोडा गांव के 1978 में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन में शुरुआत की। बहुत छोटी आयु में, 26 वर्ष की आयु में उन्होंने एक सरपंच का चुनाव जीत के शिरोडा के सरपंच के रूप में जनता की सेवा करना शुरू किया। 1984 में पहली बार असेंबली में आए और तब से लगातार असेंबली में सेवा कर रहे हैं। 2017 में 6ठी बार जब चुन के आए, और आपने कई सारे महत्वपूर्ण पद गोवा की राजनीति में संभाले हैं, और मंत्री पद भी 6 बार इन्होंने गोवा में संभाला है। पूर्व में 2009 से 14 के बीच आप गोवा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हमारे दूसरे मित्र श्री दयानंद सोपटे जी ने भी अपना राजनीतिक जीवन लगभग 13-14 साल पहले शुरू किया। जिला परिषद के सदस्य के नाते सबसे पहले 2005 में चुने गए, और लगातार उसके बाद उन्होंने कई प्रकार के अलग अलग राजनीतिक पद, और दूसरी बार इस बार विधायक के रूप में चुन के आए हैं। मेरे ख्याल से पढ़ाई में उन्होंने अपनी एमए और एलएलबी करने के बाद जिस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस का अच्छी तरीके से डेवलप किया, और अपने क्षेत्र में मांद्रे जो नॉर्थ गोवा में पड़ता है उसमें बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अपने जनता के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज एक प्रकार से दो नेता, कद्दावर नेता जिनका जनता में बहुत बड़ा प्रभाव है, एक दक्षिण गोवा से, एक उत्तर गोवा से, दोनों क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों बहुत ही लोकप्रिय हैं, कर्तृत्ववान हैं, और मैं समझता हूं दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का और बल मिलेगा, और आगे चल के हम अच्छी तरीके से गोवा में एक प्रदेश के विकास और प्रगति में जुटेंगे। मैं बधाई दूंगा दोनों माननीय विधायकों को, सुभाष शिरोडकर जी को और माननीय दयानंद सोपटे जी को, आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने पे। धन्यवाद।